हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक और सुबह और मैं आ गई हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। तो मैं क्या नहा धो के तैयार हो गई हूँ, मतलब रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ये बहुत दिन बाद साड़ी पहन रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने किचन का सारा काम हो चुका है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी किचन देख सकते हैं, और नाश्ता वगैरह बना के मैंने टिफिन भी पैक कर लिया है अपना। तो अब मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। यहाँ पर मैं गर्म पानी भर लेती हूँ अपनी वाटर में। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है तो मैं गर्म ही पानी ले जाना शुरू कर दी हूँ। बस मेरी टिफिन वाटर सब पैक, फटाफट भागूं। बहुत सुबह, सच में बताऊं तो पूरा एक एक चीज ना शूट करने का टाइम ही नहीं होता है, इतनी जल्दी होती है। मैं आ गई हूँ स्कूल से, और स्कूल से जाते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब चाहते हुए जाते हैं, खुश होके जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आते हुए दुखी होती हूँ। मैं आते हुए भी स्कूल से उतनी खुशी होती है मुझे, और यकीन मानिए स्कूल में मतलब मैं जाके कभी भी बर्डन नहीं, मुझे ऐसे लगता कि मैं स्कूल में जबरदस्ती पढ़ा रही हूँ या स्कूल में आई हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उन बच्चों के साथ मैं फुल एंजॉय करके आती हूँ, फुल मस्ती करके आती हूँ, बल्कि उनके बिना तो मेरा दिल भी नहीं लगता, ऐसे हो गया है। जॉब करना मेरी मजबूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी चाय पत्ती खत्म थी तो मैं चाय पत्ती लेके आई हूँ। उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और देखिए अमरूद लेके आए हुए हम ताजे ताजे, आज एकदम बिल्कुल ताजे थे तो मेरा मन कर गया है। और अमरूद ना है वो मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो बस अब इसको निकालूंगी और धोऊंगी। सबसे पहले अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। ये देखिए एक से एक एकदम ताजे ताजे, एकदम बिल्कुल ही चमक रहे हैं बिल्कुल ही। तो मेरा तो दिल नहीं मान रहा, सबसे पहले इसको धो के खाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। कान्हा जी को भोग लगा दूंगी और उसके बाद खुद खाऊंगी भाई। और मतलब बच्चों को पढ़ाने के साथ पढ़ाने में मजा आता है ना, मुझे वो सच में बताऊं, सच में अपने दिल की बात कह रही हूँ। और पीछे देखिए मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं। ये देखिए स्टैंड मैंने अंदर ही कर दिया था, क्योंकि ना रात को थोड़े थोड़े गीले थे तो बाहर रहते तो गीले हो जाते, और उठाने का गीले कपड़े उठा के रखो कहाँ, फिर ये लगता है कि स्टैंड ही अंदर कर लो, ये ठीक है। मैंने कहा ये सही है, पहले दरवाजा बंद कर देती हूँ। मैं बातों बातों में ना दरवाजा बंद करना भूल जाती हूँ, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो पहले अमरूद खा लूं, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ, बने रहिएगा ब्लॉग में। किसको किसको बहुत पसंद है, किसका किसका फेवरेट फ्रूट है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में वो टाइप करना आप लोग भी। और मेरा तो भाई बहुत ज्यादा, मुझे सबसे ज्यादा अमरूद पसंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चाय पत्ती जो लाई थी ना वो डब्बे में डाल लूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी डब्बे में नहीं थी तो मैंने कहा डाल लेती हूँ, वरना सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता, जो काम शाम को हो जाए, लगे हाथ याद आता जाए वो कर लो, वही ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैं धो के सबसे पहले भगवान को भोग लगा चुकी हूँ, और अब कट करके मैं खुद खा लेती हूँ। और जब तक मैं खाना बनाऊँगी, मतलब जैसे लगता है ना स्कूल से आओ तो बहुत तेज़ भूख लगी होती है, तो बस मैं पहले खा लूँगी एक अमरूद, तो फिर पेट में ना थोड़ा सा शांति सी हो जाती है, फिर मैं खाना बना लूँगी आराम से। मैंने यहाँ पर ले लिया अमरूद काट के, सबसे पहले अमरूद ही खाऊंगी, क्योंकि जो मुझे भाई खाने में आप लोगों को पता ही है मैं पीछे नहीं रहने वाली हूँ, जो मुझे पसंद है ना, जो मेरे मतलब मनपसंद चीज़ें हैं वो मैं खा के ही रहती हूँ। बहुत मीठे हैं, बिल्कुल बीज नहीं है इस वाले अमरूद में, अच्छे वाले मतलब अमरूद हैं, मज़ा आ गया। मैं ना अपने पराठे बना रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा था तो गोभी डाल के पराठे स्टफिंग वाले, और अचार मैंने अचार रख लिया है। तो फिलहाल आज मेरा यही खाना होने वाला है, गोभी के पराठे और अचार। अमरूद खाने से संतुष्टि नहीं हुई थी, बस ये है कि खा लिया था अमरूद, अमरूद खाने से पेट नहीं भरा था मेरा, तो मैंने कहा मैं फटाफट गोभी घिसी हूँ जल्दी से और गोभी के पराठे बना ली हूँ और चार के साथ। तो आटा जो है सुबह का गूंथा था, तो मैंने कहा चलो फटाफट गोभी घिस के इसके अंदर फिलिंग करके और अच्छे से दो पराठे बना के खा लूँ, फिर काम करूँगी। तो फिलहाल मैं अचार और पराठे इंजॉय कर रही हूँ, और खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी जैसे कि मेरी आदत है, फिर मैं उठूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी यहाँ पर मैं रेस्ट कर ली थी स्कूल से आने के बाद, और अब मैं मतलब साड़ी वाड़ी चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट की थी, और ये देखिए बैठ के मूँगफली खाने लगी थी अंदर,
मूंगफली खाई हूँ, अब उठी हूँ क्योंकि अब मुझे शाम का खाना बनाना है और हमारे पड़ोस में है शादी, तो वहाँ पे ना वो आवाज़ आ रही है, आप लोग देख सकते हैं जनरेटर की, मतलब सुन रहे होंगे जनरेटर की आवाज़ आ रही है। और अब मैं शाम के खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बना लेती हूँ प्रसाद, और जोत का जो ये घी ख़त्म था ना डब्बे में, ये भर के रख दूँगी, बस जोत जलाने के काम आता रहता है। और ये मिश्री लेके आई थी, पास के ही शॉप पे चली गई थी अभी शाम को, और ये चने भुने हुए, क्योंकि ये खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो मूँगफली 2 किलो ये लेके आई थी, तो बस ये सब सामान मैं लेके अभी अभी फटाफट गई हूँ, पीछे से ही लेके आई हूँ। और इसमें किशमिश डाल दी हूँ, काजू बादाम और नारियल का गोला काट के डाल दूँगी, तो ये हो जाएगा कि ये प्रसाद बना के मैं रख दूँगी। और सर्दियों में ना गजक मूँगफली ये सब बहुत चीज़ें अच्छी लगती है, तो बस ये देखिए भुने हुए चने भी मुझे अच्छे लगते हैं शाम को। जैसे मैं ना इसमें पतले पतले प्याज और हरी मिर्च हरी धनिया डाल देती हूँ, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के फिर खाती हूँ, नमक काला डाल के, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए ये है प्रसाद, मैं बना लेती हूँ क्योंकि इसमें सारा कुछ मिला दूँगी, मिश्री लेके आई थी और गोला भी मतलब बस के डाल दूंगी, मैं डब्बे में भर दूंगी भोग लगाने के लिए। ये क्या डब्बे में भर दूंगी, ये मेरे कान्हा जी का भोग हो जाता है, कान्हा जी का क्या सभी भगवान जी को ही लग जाता है भोग फिर इतना। और ये जो मेरे सुबह के लिए बहुत आसान हो जाता है, अब यहाँ पर मैं एक बड़ा सा डब्बा ली हूँ जिसमें मैं मूँगफली जितनी आ सकती उतनी डाल दूंगी, बाकी मैं बांध के वापस वैसे ही रख दूंगी। और ये चने हैं इसको भी खोल के डाल लेती हूँ, तो ये सब भी काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है जब सामान आता है ना, उनको डालने का भी बहुत ज़्यादा सामान मतलब एक काम हो जाता है। मैं ज़्यादा काम सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं शाम को ही निपटा के सोने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं जोत भी जला ली हूँ क्योंकि प्रसाद बना ली थी, तो जोत भी जल गई है। और अब चलते हैं किचन की तरफ और खाना वाने की तैयारी कर लेती हूँ मैं फटाफट। मैं ना बाहर दिखाती हूँ आप लोगों को, एक मिनट खोलती हूँ पहले मैं अपना दरवाज़ा। ओहो बहुत शोर है इसलिए मैं बंद कर रखती हूँ, ये देखिए ये देखिए। जहाँ पे लेडीज संगीत और शादी वगैरह होती है ना वहाँ पे तो एंजॉय करते हैं, लेकिन ना दूसरे मतलब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कुछ होने वाला है आज, सिर पे धम धम बजने वाला है और मतलब इतना शोर हो रहा है कि अभी स्कूल से आने के बाद भी मैं रेस्ट नहीं अच्छे से कर पाई हूँ, क्योंकि तभी से आवाज़ आने लग गई थी, इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा ही बस हल्के से छपकी ली थी। और अब गाना भी शुरू हो गया, भैया उड़ 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 जा कबूतर मेरे ढूंढे पे, पता नहीं क्या मतलब हरियाणवी मुझे बोलने नहीं आती बट मैं समझ लेती हूँ, अब इतने साल हो गए हरियाणा में रहते रहते तो इतना तो समझूंगी। मूंगफली बिस्तर पे खाई हो तो मैं बिस्तर ना झाड़ रही हूँ, ऐसा होता है ना सर्दियों में ये मूंगफली अच्छी भी लगती है और खाओ ना बिस्तर पे बैठ के तो बिस्तर का बुरा हाल हो जाता है, कुछ ना कुछ गिर जाता है, चाहे आप कितना ही प्लेट रखे पेपर रखे खाओ तब भी कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो मैंने फिलहाल झाड़ दिया क्योंकि ये आने वाले हैं ऑफिस से और आते के साथ ही फिर गुस्सा करते कि तुमने साफ नहीं किया है, क्या कर रखा है, ये वो वह, उसका छिलका गिरा हुआ है, मेरे को छिलके से लग रहा है कि बस छिलका देखेंगे ना तो गुस्सा करेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं खाना बना लेती हूँ और डांस करके, क्योंकि गाना चल रहा है तो गाना चलते के साथ मैं नागिन सी लहराने लगती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा लहरा लहरा के खाना बना लेती हूँ। मतलब आज शादी नहीं है, आज लेडीज संगीत है, शादी कल है, लेकिन धूम धड़ाका भैया आज ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैं थोड़ा सा कपड़ा मारूंगी, क्योंकि मैंने जो प्रसाद वगैरह बनाया है ना अभी अभी चने वगैरह रखे थे थोड़े बहुत गिर गए थे, उन सबको साफ़ करके मैं ये अपना सेल्फ जो है वो क्लीन कर दूंगी। सबसे पहले किचन साफ़ होती है तो काम करने में मज़ा आता है, तो इस पर थोड़ा सा कपड़ा मार के अब मैं फटाफट खाना बनाऊँगी और सब्जी और रोटी, बस शाम के मेरे यही सिंपल सा डिनर रहता है, क्योंकि बच्चे जब से गए हैं ना तब से बच्चों की डिमांड होती थी, तब कुछ ना कुछ स्पेशल बन जाता था, अपने लिए सच बताऊं तो सिंपल ही खाना बनता है सिर्फ। तो यहाँ पर आटा भी गूंथ गया है, डांस करते करते सब्जी भी बन गई, ज्यादा धम धम की आवाज आ रही है, यहाँ बन गई है मेरी, आप लोगों से बात करते करते डांस करते करते सब्जी, आलू गोभी और मटर, आलू गोभी मटर है कि सब्जी बनी है, और ये आटा गूंथ ली हूँ मैंने। और आज कल मैं
मल्टीग्रेन वाला जो आटा होता है ना वो यूज कर रही हूँ। कॉपीराइट आ जाएगा भैया, बहुत ज्यादा गाने की आवाज आ रही है। तो ये जो आटा है ना इसको मैंने खुद को बना लिया, मतलब मिक्स करके रख लिया है डब्बी में, गेहूं का, बाजरे का और बेसन। तो अभी फिलहाल मैंने तीन चीजों का मिक्स करके रख लिया है। मैं कोई बात नहीं कर सकती आप लोगों से, पीछे ना बैकग्राउंड म्यूजिक चले जा रहा है, इसलिए मेरा रूटीन एकदम सेट नहीं हो पाता खाना खाने का, क्योंकि इनका क्या है कि बिल्कुल भी हिसाब किताब नहीं बन पाता है कि प्लांट से कब आएंगे और कब खाना खाएंगे। कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आ जाते हैं। तो जब जल्दी आ जाते हैं तो मैं जल्दी बना के खिला देती हूँ खाना और मैं भी खा लेती हूँ। अब लेट ये आ रहे हैं, ये ऐसे भी तो हो जाता है ना कि ये भूखे हैं और मैं खा लूँ, मतलब अंदर से एक अंदर आत्मा जो होती है ना, कह सकते हैं एक पत्नी का प्यार कह सकते हैं, वो मतलब खाने नहीं देता है। लेकिन अभी मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे लगी है भूख। जब मुझे भूख लगती है ना तो मुझे कुछ नहीं सूझता, तो मैं दो रोटी बना के खुद खा लेती हूँ। जब ये आएंगे तब इनकी रोटी सेक दूंगी। फिलहाल सब्जी तैयार है, आटा गूंथा है, तो रोटी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। हमेशा इस बात पे श्रेया से मुझे डांट पड़ती है कि श्रेया कहती है मम्मी आप खाना बहुत लेट खाते हो, आपको 7 बजे तक 7:30 तक खाना एकदम खा लेना चाहिए, होना ऐसे ही चाहिए हेल्थ के लिए, मतलब सेहत के लिए। बट नहीं हो पाता है, क्या करूं। कई बार होता है ऐसे कोई आ गया, कई बार मैं कहीं बाहर चली गई तब लेट हो जाता है, तो इसलिए रूटीन बन ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। मैं क्या करूं। और यहाँ पर सुबह के लिए मैंने ना छोले भिगो दिए हैं। और आज का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जो मैंने आटा बनाया है वो मल्टीग्रेन आटा किन किन चीज़ों को डालकर बनाया है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक।